आई एम तारिका, वेलकम यू ऑल इन योर फेवरेट शो खाते रहो, जहां हम आपको लेकर जाते हैं शहर के बेहतरीन फेमस फूड सेंटर्स पर और पहुंचाते हैं आप तक वहां का जायका। फूडीज, आज खाते रहो की टीम आप पहुंची है लेजी मोजो कैफे, जो कि लोकेटेड है लाल बहादुर नगर मालवीय नगर में। फूडीज लेजी मोजो काफी फंकी सा नेम है, इस नेम को सुनकर ही पता लगता है ये अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए बेस्ट प्लेस है। वेल फ्रेंड्स, हम जब भी बाहर जाते हैं तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं वेन्यू और फूड, और लेजी मोजो इन सब का एक परफेक्ट कॉम्बो है। फूडीज, बात करें लेजी मोजो के इंटीरियर के बारे में तो यहाँ का इंटीरियर काफी कूल और चिल है, ऐसी जगह पे हैंग आउट करने का अपना अलग ही मजा है। फूडीज लेजी मोजो का फूड काफी यम्मी है, यहाँ का डिलीशियस फूड आप इंजॉय कर सकते हैं। फूडीज, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम एक जगह बैठ के अपना फूड इंजॉय कर सके, तो लेजी मोजो में टेक अवे की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप यहाँ से अपना फूड पैक करवा कर कहीं पर भी उसे इंजॉय कर सकते हैं। फूडीज इस वक्त हमारे साथ है प्रथम, तो चलिए प्रथम से जानते हैं वो कितने फूडी है। मैं आई थिंक मुझे हर तरह का क्विजीन जो है अच्छा लगता है, फ्रॉम लाइक इटालियन टू चाइनीज कॉन्टिनेंटल एवरीथिंग, तो आई हैव ट्राइड ईच एंड एवरी रेस्टोरेंट इन दिस सिटी, और मतलब कोई भी ऐसा क्विजीन मैं छोड़ा नहीं है जो कि मुझे कभी मैंने ट्राई नहीं किया हो, तो आई थिंक आई एम लिटिल बिट ऑफ फूडी आई थिंक। प्रथम, आपको लेजी मोजो में ऐसा क्या पसंद है जो आप यहाँ आते हैं तो ऑर्डर करते ही हैं? There is a sandwich named grilled focaccia sandwich. वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, और मैंने जहाँ भी ट्राई किया है मुझे इतना मज़ा नहीं आया जो यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, सॉफ्टनेस और ग्रिल। प्रथम, आपको यहाँ की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? It is very special restaurant and the gentry which यहाँ पर आते हैं बहुत elite gentry आती है, और location wise बहुत convenient है मेरे लिए, आई थिंक ये एक अच्छा पॉइंट है मेरे। फूडीज इस वक्त हमारे साथ है भवीन, तो चलिए भवीन से जानते हैं उन्हें लेजी मोजो आना क्यों पसंद है। आई थिंक यहाँ का इंटीरियर बहुत बढ़िया है, अलॉन्ग विद द इंटीरियर द फूड इज वेरी ऑसम, क्वालिटी के साथ हमको जो प्राइस मिलती है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, कि हाँ एक रीजनेबल प्राइस है। हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो हमारी पॉकेट मनी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, सो कैफे लेजी मोजो इज़ अ बेस्ट प्लेस वेर यू कैन हैंग आउट विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो अच्छी जेंट्री है, कोई छिछोरापना भी नहीं है, जयपुर में बहुत बढ़िया कैफ़े है, अच्छा इंटीरियर है, अच्छी फूड क्वालिटी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और खाना वेराइटी बहुत अच्छी है, सैंडविचेस पिज्ज़ा पास्ता वगैरह में। आपको लेजी मोजो में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है जो आप यहाँ आएंगे तो ऑर्डर करेंगे ही? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ पिज्ज़ाज, मुझे थिन क्रस्ट पिज्ज़ा बहुत पसंद है, और यहाँ का बेस वगैरह प्रिपरेशन इज़ वेरी गुड। लेजी मोजो की एक ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है? यहाँ का इंटीरियर और यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत बढ़िया है, आई थिंक द इंटीरियर इज़ वेरी गुड। फूडीज इस वक्त हमारे साथ है एग्जीक्यूटिव शेफ अर्जुन जी, तो चलिए अर्जुन जी से जानते हैं लेजी मोजो की शुरुआत कब हुई। इट स्टार्टेड ऑन 7th of August, सो इट्स ऑलरेडी रनिंग अस 4 months अगो, सो बिफोर प्लानिंग द कैफे लेजी मोजो वी वेरी डू द मार्केट सर्च व्हाट वी डू व्हाट वी ऑफर टू द आवर जयपुराइट्स, सो अकॉर्डिंग टू द जयपुराइट्स पीपल एंड we have too much competition in the Jaipur, so we plan the menu according to the our guests, so we have a contemporary cuisine, you can also say the contemporary cuisine, it's a mix up of 7 cuisine, so we have a Mexican food also, we have a Lebanese food also, we have a continental dishes, we have a Malaysian dishes also, so we can mix up the all cuisine and we put a menu in and we offer the our guests very good menu, very variety, so it's also pocket friendly, we also focus our student because Jaipur is famous for the students, so we also focus the Jaipur people and we also focus the family oriented guests,
So we have everything in our menu which can be offered to our guests. Chef Arjun ji, yahan ke special food ke bare mein bataiye. As I say that we have a contemporary cuisine. So in the main course I'll put the hot Malaysian delight. It's a very upselling product in our menu. That's a dish from the Malaysia, but according to the hospitality industry which follows to the Indian, we can take into the Indian hospitality which we offer to the Indian guest. It's a spicy dish. Foodies Lazy Mojo की सबसे special बात ये है कि यहाँ पे vegetarian के साथ साथ आपको non vegetarian की भी काफी varieties मिल जाएगी. ऐसी ही एक dish की बात हम करने जा रहे हैं chef से, जो वो करेंगे इस dish का description. If you follow non vegetarian dish, so we have a also option for you. That's called a Cajun spice rub basa fish. That's a basa fish that imported from the diet from the Vietnam. We are using that's a soft fish and salty also, so we don't put too much salt. And for the Cajun spice, we making from the five spices, dry spices. That's a dry red chili, dry oregano, dry basil. We grind it in the mixer and using for the marination of the basa fish. अभी मैंने ट्राई की यहाँ की यमी मलेशियन डिलाइट एंड फ्रेंड्स ट्रस्ट मी इट्स टू यमी. फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों का हैंगिंग आउट का प्लान बन रहा है तो आप यहाँ पे ज़रूर आए और यहाँ की मलेशियन डिलाइट को ज़रूर टेस्ट करें. फ्रेंड्स आज के हमारे इस शो में बस इतना ही. अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त. तब तक हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो और हाँ खाते रहो.